मुसलमानों ये थोड़ा ऐसे आदती है और कुछ दिन बर्दाश्त कर लो और इस जुल्म के बदले तुम मोहब्बतें निशावर करो इन नफ़रतों के बदले मोहब्बतों के फूल नशावर करो और रब से लो लगाए रहो और उनसे कहो कि ये लोग हमको पहचान नहीं रहे समझ नहीं रहे ऐ रब हमारी भी गलती है हमने भी कमी की है आपकी पहचान कराने में हम अपने मुल्क में देख रहे हैं पूरे मुल्क में हर जगह इस वक्त मुसलमान तमाम शिक्कों शिकायतों को बिल्कुल भूल कर खिदमत में लगे हुए पूरी दुनिया की सतह पर जिन डॉक्टरों की जान गई है उनमें सेवेंटी टू एट्टी परसेंट मुसलमान हैं जिन्होंने अस्पतालों में दिन रात मेहनत करके इस बीमारी में मुबतला लोगों को बचाने की कोशिश की और उनके जान के नजराने को भी अल्लाह ने कबूल कर लिया ख़ास तौर पर मैं इस वक्त अपने तबलीग व दावत के साथियों से कहना चाहता हूँ रुए रुएँ से दुआ निकल रही है अल्लाह आप सबको बेहतरीन सिलाता करें शाबाश है साथियों बहुत बदनाम कर रहे थे कुछ कम समझ लो मैं तो क्या कहूँ उनके बारे में काश के ये लोग किसी और के नहीं अपने ही खैर खा होते काश के ये लोग किसी और के नहीं सिर्फ अपने देश के ही खैर खा होते अपने देश के ही शुभ चिंतक विल विशर होते कितना सताया उन्होंने कितना बदनाम किया तबलीगी जमात को अल्लाह हु अकबर के दुनिया मुल्क में लाखों लोग ये समझ बैठे बेचारे भोले वाले लोग कि ये तबलीगी जमात है जिसके जरिए से कोरोना भारत में फैला है और लोग बेचारे तबलीगी जमात में और आम मुसलमान में फर्क भी नहीं कर पाते जिसको देखा कुर्ता पजामा पहने हुए बस वो उससे दूर भागो उसके हाथ की होम डिलीवरी के सिलसिले में आया हुआ सामान मत लो उसको अपनी दुकान पर मत आने दो उसकी दुकान से कोई सौदा मत खरीदो उसके गरीब सब्ज़ी बेचने वाले को अपनी गली में घुसने मत दो और इस सब का जवाब तुम लोगों ने जो दिया है मैं यकीन दिलाता हूँ कि इसका बेहतरीन इनाम तुम सबको और तुम सब के ज़रिए से इनशाला तमाम ईमान वालों को बल्कि पूरे मुल्क को इनशा मिलेगा तुमने बड़ी प्यारी अदा की है तुमने नफरतों को जवाब मोहब्बत से देने की का एक नबवी रिवाज ज़िंदा किया है तुमने जो लोग तुम्हारा खून चूस रहे थे और खून के के कतरे के प्यासे थे अब तुम ये सब भूल कर अपने खून दे रहे हो ताकि उसका प्लाज्मा ले जाए ले लिया जाए और उसके जरिए से इस वायरस का शिकार लोगों का इलाज किया जा सके बेहतरीन रिवायत तुमने कायम की है तुमको जो लोग जानते हैं करीब से उनको तुमसे यही उम्मीद थी तुम्हारी तरबियत इसी सिलसिले में हुई है तुमको देने वाला बनाया गया है तुमको लेने वाला मांगने वाला नहीं बनाया गया बल्कि अगर मैं ये कहूं कि ये इस दुनिया के ज़ाहरी निज़ाम के पीछे जो असल में स्पिरिचुअल निज़ाम चल रहा है रूहानी और गैबी निज़ाम चल रहा है उसका तस्करा तो जितना तुम्हारे कानों ने सुना और जितनी तुम्हारी ज़ुबानों ने बोला शायद मुसलमानों के किसी और तबके ने भी उसका तस्करा न उतना सुना न उतना बोला तुम हो जो दुनिया को ये सबक याद दिला रहे थे और तुमको बार बार ये सबक याद दिलाया जा रहा था कि इस दुनिया को चलाने वाली असल ताकत उस रब की है जो नज़र नहीं आता एक गैबी निज़ाम और उस पर यकीन की बात जितनी ज़ोर शोर से तुम करते हो करते थे और करते हो और खुदा करे कि करते रहो उतना तो और किसी हल्के से शायद ये सबक तो नहीं याद दिलाया गया अब वक्त आया है अब इन बहुत वसीतर दायरे में अल्लाह तुमसे काम लेंगे अजीब व गरीब बात है मैं मैं बहुत सोच रहा हूँ इस बात को कि वो तबलीगी दावत का निज़ाम जिसने कभी मीडिया को इस्तेमाल नहीं किया प्रेस के पब्लिसिटी के किसी ज़रिए को इस्तेमाल नहीं किया ये शिकायत वो सुनते रहे कि भाई आप लोग तो मॉडर्न जराए को इस्तेमाल ही नहीं करते इस पर तबसरे होते रहे खुदा ने 10-15 दिन के अंदर आपकी वो पब्लिसिटी करा दी जो 50 साल में नहीं कर सकते थे आप खुद क्या अल्लाह का निज़ाम है ऐसे लगता है जैसे असाब कहब कहब से बाहर आ गए आप में तो बिल्कुल अपने काम को खामोशी के साथ आप डोर टू तो डोर जाते थे बात करते थे क्या बात करते थे आप करने वाली जात अल्लाह की है आप अपने ईमान को मजबूत कर लें आप अपनी नमाजों को ठीक कर लें आप अपने अखलाक को ठीक कर लें अचानक दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा आपका होने लगा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की हुकूमतों को इस पर तबसरे करने पड़े कि जिन मुल्कों में तमरीकी जमात को निशाना बनाया जा रहा है ये गलत है गलत के कोई आपके दिफा में बोल रहा है कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है चर्चा हर तरफ आपका हो गया कि मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने एक प्लानिंग के तहत यह होने दिया है क्योंकि शायद अब आपको ही अपने दायरे को आगे बढ़ाकर तमाम वतनी भाइयों से तमाम देशवासियों से आपको अब गुफ्तु का आगाज़ करना है क्योंकि लोग अब जानना चाहते हैं कि आप क्या कहते हैं मुसलमानों से आप क्या करते हैं लोग आप लोग क्या करते हैं यह वक्त आया है पूरा कौम आपकी तरफ़ मतव्य हो गई ये अल्लाह का निज़ाम है मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला का गैरबी निज़ाम से हुआ है आप में से इन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता न बड़ों को न छोटों को न ज़िम्मेदारों को न नवाम को न वो जिनके नाम लिए जा रहे हैं न वो जिनके नाम नहीं लिए जा रहे हैं शर्त यह है कि आप पूरे अखलास के साथ अपना काम जारी रखें और जिस तरह आपने अपना खून देना शुरू किया है और खून देते वक्त आप में से एक ने यह तक कह दिया कि हमारे खून का एक कतरा अगर काम आ जाए तो ले लो वाकई आपके आपके जज्बात कुर्बानी देने के बनाए गए हैं छीनने के लूट खसोट के और सत्ता पे और पावर पे कब्जा करने के जज्बात आपके नहीं बनाए गए आपके दिल में ये जज्बा भर दिया गया कि आपको तो अल्लाह की रजा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अब आपको अपने बड़ों की रहनुमाई में इंशाला बहुत वसी मैदान में काम करना है ये मुल्क खैर खाहों का मोहताज है हर तरफ लुटेरे बैठे हुए हैं काश कि मेरी ये बात गलत होती और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी अगर मेरी ये बात गलत साबित हो जाए लूट खसोट एक हिस्ट्रिया पैसा कमाने का अजीब गरीब हालत है हमारे समाज की हद यह है कि कहा जा रहा है कि जो टेस्टिंग किट्स आ रहे हैं उसमें भी करप्शन हुआ है अल्लाह अकबर फौजियों के ताबूत में अगर कोई करप्शन करे तो इससे ज़्यादा क्या शर्मनाक बात होगी ऐसे माहौल में पूरी ईमानदारी के साथ ख़िदमत का काम करना यही इस वक्त के मसले का सबसे बड़ा हल है और उस खिदमत के लिए जहनी तौर पर मेरा ख्याल ये है कि आप से ज़्यादा शायद कोई तैयार ना हो बशर्ते कि आप ज़रा अब आप दिखाएँ अल्लाह ने मौका दिया है आप आप दिखाएँ कि आपको क्या सिखाया गया है और दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं बल्कि अपने रब को राज़ी करने और मकफरत की नीयत से मुझे दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देने का दिल चाहता है और ये दुआ करने कर रहा हूँ अलहदुल्ला कि खूब अखलास के साथ ये आम हो जाए इस मुल्क को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खैर खाही और मुखलसाना जज्बात के साथ खलूस के साथ खिदमत करने वालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो वही लोग हो सकते हैं कि जिनका आखिरत पर यकीन हो और जो अपने रब से कुछ इनाम लेना चाहें किसी से इनामदा लेना चाहे इन नमा नमक व झल्ला कुम जज़ा अमा शकूरा आप आज जो राशन तकसीम कर रहे हैं जगह जगह मुसलमान नज़र आ रहे हैं अलहद दूसरे लोज़रा भी दूसरे लोग भी यकीन कर रहे हैं लेकिन मैं ख़ास तौर पर इस वक्त जो कहना चाहता हूँ वह उस कौम के लोगों को अप्रीशियट करना चाहता हूँ जो गरीब भी हैं जो मजलूम भी हैं हर तीर जो चल रहा है वो उन्हीं के सीने पर लगा के निशाने पर सीने को निशाना बना कर चलाया जा रहा है उसके बावजूद ये सब भूल कर वो खिदमत में लगे हैं हमारे पचासों जगहों से ये ख़बरें मिली कि मुस्लिम हमारे नौजवानों ने राशन और जरूरत की चीज़ें पहुंचाई घर घर जाकर मंदिरों में जाकर वहाँ के पुजारियों की खिदमत की यह है इस्लाम और दुनिया को सच्चा इस्लाम देखने की सख्त ज़रूरत है हम मुसलमान अपना इत, इस गलती का एतराफ़ हमें करना चाहिए कि हमने इस्लाम पर ख़ुद अमल नहीं किया और इस्लाम की सही तस्वीर लोग देख न सकें